देखिए आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ भाई हैं जो जब से टोल खुला है अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जब उन लोगों को जो मापदंड होता है इनके तनख्वाह का, जब इन लोगों ने उस तनख्वाह को बढ़ाने की मांग की तो ये कह के इन लोगों को निकाल दिया गया कि यहाँ फास्टैग हो गया, यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आंध्र प्रदेश जाइए। हमारा कहना है और इन भाइयों का कहना है कि ना तो इनको आंध्र प्रदेश की भाषा आती है और इतने से तनखे में ये आंध्र प्रदेश जाके क्या करेंगे, और फिर जब छत्तीसगढ़ में ये कंपनी एससीपी है तो छत्तीसगढ़ के भाइयों को जो कि आसपास एक दो किलोमीटर से ही इनको रोजगार मिला है तो इनको आंध्र प्रदेश क्यों भेजा जा रहा है। हमारी शासन से मांग है, हमारी बीएससीपीएल कंपनी के समस्त पदाधिकारियों से मांग है कि इन लड़कों को वापस यहीं रखा जाए ताकि छत्तीसगढ़ का जो रोजगार की बातें हैं वो छत्तीसगढ़ में ही शोभित हो। इससे पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन हो चुकी है, बावजूद इसके एक बार फिर करना पड़ रहा है, क्या है मामला, क्यों ऐसा बार बार? देखिए ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि जो छत्तीसगढ़ के दम पे राजनीति करते हैं, जो लोग अपने भाषण पे, जो लोग सरकार बनाया है या जो केंद्र पे बैठा है, जो राज्य पे बैठा है, अक्सर ये दम भरते हुए मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ में रोजगार पे पहला अधिकार होना चाहिए, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इन कर्मचारियों ने जब हड़ताल किया था पिछले समय तब इनको बोला गया था कि ना तो आपका ट्रांसफर किया जाएगा और न ही आपको यहाँ से हटाया जाएगा, आपको यही नौकरी दिया जाएगा और आपका तनख्वाह बढ़ाया जाएगा, ऐसा आश्वासित करके इनको बैठा दिया गया था, लेकिन वो सब चीज़ें पूरी नहीं हुई। और बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि इनके साथ ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहा है। रोजगार कारण छत्तीसगढ़ के मार्फत इनको नौकरी दी गई तो क्या ये उचित नहीं होगा कि ये छत्तीसगढ़ में रहें? बिल्कुल, जब रोजगार कार्यालय से पंजीयन होकर इनको जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका कार्यालय पंजीयन वहाँ है, तो उसका रूल कहता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही नौकरी मिलनी चाहिए। कब तक हड़ताल रखेंगे आप? देखिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। हर टोल में दो पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए, इनके पास एक पेट्रोलिंग गाड़ी है। टोल प्लाजा में MBBS डॉक्टर होना चाहिए, इनके पास डॉक्टर नहीं है। टोल प्लाजा में ICU होनी चाहिए, इनके पास ICU नहीं है। टोल प्लाजा दोनों तरफ बैरिकेडिंग होनी चाहिए, रोड में कोई जानवर नहीं बैठना चाहिए, आप खुद उसका हाल देख रहे हैं। तो ऐसे किसी भी मापदंड पे ये टोल खरा नहीं उतरता है, तो या तो इनको नौकरी पे रखें या फिर इस टोल को। क्या ये धरने का जायजा लेने के लिए अभी तक कोई आला अधिकारी या फिर कर्मचारी किसी भी आला अधिकारी ने और किसी भी कर्मचारी ने किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली, जबकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभी अभी हमारे सामने पुलिस के बड़े अधिकारियों की गाड़ी पार हुई है, लेकिन किसी ने भी रुक के इनकी सुध लेने की कोई कोशिश नहीं।